फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त फ्रांस में मुजरिमों को गिलेटिन की सजा दी जाती थी, जिसमें कि उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। सुनने में काफी खौफनाक लगता है ना, बट क्या आपको पता है कि उस वक्त जो मुजरिम होते थे वो इस सजा को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे कि मैं आगे जाऊंगा। अब आप सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्यों, मरने के लिए कौन झगड़ता है। दरअसल उस वक्त मुजरिमों को भेड़ बकरियों की तरह गिलेटिन की सजा दी जाती थी, जिससे कि थोड़ी देर चलने के बाद गिलेटिन के ब्लेड की धार कम हो जाती थी और आखिर के जो लोग होते थे उन पर गिलेटिन का कई बार प्रहार किया जाता था, तब जाके काम तमाम होता था।